रानी, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ऑफ वायरल में। दोस्तों ये वीडियो टिकटॉक पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और दोस्तों जितने भी टिकटॉक स्टार्स हैं इस तरीके का वीडियो इस समय बना रहे हैं और इस वीडियो में दोस्तों दो दिन में ही 70 के हर्ट्ज क्रॉस हो गए हैं। तो आप जब इस वीडियो को बनाओगे तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपके वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और फॉलोअर आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई कर दो, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पर ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक काइन मास्टर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके, अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों आपको इसे सिंपल सा ओपन करना है एंड उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको जो बीच में प्लस वाला आइकन का इंटरफेस दिख रहा है आपको इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। एंड गाइज हमें टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना है इसलिए हमें 9:16 वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है, जो बीच वाला ऑप्शन है उस पर हमें सेलेक्ट करना है। एंड गाइस उसके बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा सिलेक्ट करने के बाद में, तो आपको मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। सो आप अपने मनपसंद का कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, मैं कुछ ये लाल वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस सेलेक्ट करने के बाद में हमें इसकी ड्यूरेशन को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है। एंड गाइस बढ़ाने के बाद में हमें लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और उस वीडियो को लेना है, जिस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो वो लड़के वाला वीडियो। एंड गाइस डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपल सा लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और मीडिया वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आपको उस वीडियो का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी उस वीडियो को रखे हो आप उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। एंड गाइस उसके बाद में हमें इसके स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में इसे कुछ फुल स्क्रीन में कर लेना है। एंड गाइस डन ओके कर देना है। उसके बाद में हमें जो बाकी का बैकग्राउंड का पार्ट है उसे हमें सिंपल सा कट कर देना है। सो कैंची वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में ट्रिप टू राइट और प्लेट पे क्लिक करना है एंड ये कट जाएगा। एंड गाइस वीडियो पे क्लिक करने के बाद में इसके क्रोमा की को अनेबल करना है, तो इस पर क्लिक किया, क्रोमा की वाले ऑप्शन पे जाते हैं। एंड गाइस उसके बाद में हमें इसके क्रोमा की को अनेबल कर लेना है एंड हमें अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से इसे सेट कर लेना है। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद में दोस्तों हमें सिंपल सा इसे डन कर देना है एंड अब हमें एक बार देख लेना है कुछ इस तरीके से आपका वीडियो दिख रहा है। एंड गाइज अब आपको थोड़ा वीडियो को स्क्रॉल करना है दोस्तों, और जहाँ पे ये लड़का कूद कर जंप लगाता है दोस्तों, जंप लगाने से थोड़ा पहले ही हमें वीडियो को पॉज कर देना है। एंड गाइज हमें लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। तो अभी आप देख सकते हो ये लड़का, ये देखिए दोस्तों जैसे ही कूदता है हमें वहीं पे रुक जाना है। एंड लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है और हमें एक अपने स्मार्ट फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, स्मार्ट फ़ोटो का सिलेक्शन करना है। आप अपने हिसाब से किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हो, मेरे पास कोई खास फ़ोटो नहीं था इसलिए मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइज सेलेक्ट करने के बाद में हमें इसके भी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर देना है, वीडियो के इतना बराबर कर देना है दोस्तों। एंड करने के बाद में दोस्तों आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। ये जो 5वें नंबर पे सेंड टू बैक वाला ऑप्शन है आपका दोस्तों पहले या दूसरे नंबर पर हो सकता है। देखिए मेरा काइन मास्टर पुराना है सो मैं यही वाला रहने देता हूँ। एंड गाइज अब आपको मैं वीडियो को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये वीडियो आखिरकार बना कैसे है। सो आप देख सकते हो दोस्तों ये वीडियो अब बन चुका है। आप अपने हिसाब से अच्छी फ़ोटो लगा सकते हो गाइस, मेरे पास फ़ोटो नहीं था इसलिए मैंने ये वाला फ़ोटो लगा दिया है। अब ये वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुका है और दोस्तों अब आप इसे सिंपल सा एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक किए एंड गाइस हमें इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। सो आप देख सकते हो ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस, और एक्सपोर्ट हो जाने के बाद में दोस्तों मैं आपको ये वीडियो दिखाऊँगा कि ये वीडियो आखिरकार बना कैसे है। सो दोस्तों ये वीडियो सिंपल सा एक्सपोर्ट हो गया है। अब मैं इसे कट करता हूँ और आपको वीडियो में जाके वो वीडियो में दिखाता हूँ कि आखिरकार वो वीडियो बना कैसा है। सो मैं गया वीडियो में और अब इस वीडियो को ओपन किया मैंने। सो ये देखिए दोस्तों कितना स्मार्ट वीडियो बन चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। मेरे भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अपने चैनल पर ऐसा ही इंटरेस्टिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।